बात करो, लागू करो। यहाँ पे रखा गया था जम्मू में, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर एक समुदाय के लोग जहाँ पे जमा हैं। हमारा कहना यही है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आप बीडीसी के इलेक्शन पहली मरतबा जो है 70 साल में होने जा रहे हैं, हम पिछले 10 साल से जदोजहद कर रहे हैं कि 73rd अमेंडमेंट लगवाने के बाद जहां जम्मू कश्मीर के अंदर बीडीसी इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं। ये क्या मजबूरी है कि 24 तारीख को इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर दिए गए और 24 तारीख को जो है वो बोर्ड पढ़ेंगे, 24 तारीख को रिजल्ट होगा और 1 नवंबर को जो है जहां 73rd अमेंडमेंट जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा, सेंट्रल लॉ जो है जहां पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अगर ये इलेक्शन 10 दिन के बाद करवाए जाते तो ये इलेक्शन 73rd अमेंडमेंट के तहत जहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर होते। इसलिए हम लोग जहां पे जो है विरोध कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम पंच सरपंच इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये पंचायत के जो बीडीसी के इलेक्शन इन्होंने अनाउंस किए हैं इनको 15 दिन के लिए पोस्टपोन किया जाए और वो इलेक्शन 15 नवंबर के बाद जहां पे करवाए जाए, ताकि सेंट्रल लॉ 73rd अमेंडमेंट जिसका हमें पिछले 10 साल से इंतजार है और हम लोगों ने 370 जहां से उठाया गया, 370 खत्म किया गया, हम लोगों ने पंचायत कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के 40,000 पंचों सरपंचों ने इसका स्वागत किया। लेकिन अगर जहां 73rd अमेंडमेंट लगवाने के बिना जहां बीडीसी इलेक्शन हो जाते हैं तो पंचों सरपंचों को कोई फायदा जो है जहां बीडीसी इलेक्शन का आगे आने वाले दिनों में नहीं।